आज जो हम एलजी साहब से मिलने गए थे, ये बेसिकली था जो हमारी पार्टी ने स्टेटहुड का बेड़ा उठा रखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसी सिलसिले में आज एलजी साहब से मुलाकात हुई। हम बड़े खुश हैं कि एलजी साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उनने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पर वादा हुआ है। और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी। तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहें, इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी खो चली गई है, तो मुझे लगता है कि ये भी अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके। ये तो बातें हैं, अब वो जो नई जमात कोई बनाता है उसको कहना ही पड़ता है, अब उस पर तो हम बात नहीं आज करना चाहते। जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने आज एलजी साहब से की, वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा किया कि 2 महीने में एग्ज़ाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज़्यादा और ज़्यादती ना हो जाए। उन्होंने एश्योर ये भी किया कि ट्रांसपेरेंटली होगा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि जिससे ये कुछ हो जाए। तीसरा, हमने यूथ के बारे में कहा, जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है। हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, तो ओवरऑल मैंने देखा कि एलजी साहब बड़े ही वॉज पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगेगा जो जो मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम वो भी करेंगे, टाइम फ्रेम से हल करेंगे। और एक और बात भी हमने वहाँ की, फिर वो मुजावर जो हमारे अवकाफ हमारे इन पे दरगाहों पे होते हैं, तो हमने उनकी बात की। साहब उनको सरकार तनख्वाह नहीं देती थी, आपके अजमेर शरीफ में है, हिंदुस्तान की सब मुसलमान दरगाहों पे है, तो इसके निज़ामुद्दीन अवलिया में है, तो उन्होंने कहा मैं उस पर बात करूँगा और इंशाल्लाह हम लोग भी फॉलो अप करेंगे।